महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की कार भंडारा शहर के पास भीलवाड़ा गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गए। एक ट्रक ने उनकी कार को पीछे से टक्कर मार दी। हालांकि हादसे में नाना पटोले बाल बाल बच गए। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। बता दें कि यह घटना महाराष्ट्र के भंडारा जिले के करदा गांव के पास हुई। वहीं कांग्रेस नेता अतुल लोणे ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए ट्विटर पर लिखा कि विपक्ष के नेताओं को खत्म कर बीजेपी को चुनाव जीतना है क्या। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले भंडारा जिला में प्रचार दौरे पर गए थे और मंगलवार को रात को करदा गांव के पास उनकी गाड़ी को एक ट्रक ने ठोकर मार दी। यह बेहद ही गंभीर बात है और हमें शक है कि क्या यह उनका एक्सीडेंट करने का प्रयास था। जनता के आशीर्वाद से नाना पटोले को कुछ नहीं हुआ है। हालांकि अतुल लोंडे के आरोपों को बीजेपी ने खारिज किया है। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद बताया। महाराष्ट्र से मंगला वाघे की रिपोर्ट। काल भंडारा जवळ आमच्या गाडीला एका ट्रकने मुद्दामून डॅश मारण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याच्यामुळे गाडीला पूर्ण एका बाजूने त्यांनी घासत नेलं आणि मी तर सुखरूप राहिलो, पण गाडी पूर्ण त्याच्यामध्ये गाडीचं नुकसान झालं। पण जनतेचा आशीर्वाद आणि या सगळ्या प्रेमामुळे आज मी सुरक्षित आहे। कुठली काळजी करू नये, याच्यामध्ये हातपात आहे की काय आहे ते पोलीस त्याला चौकशी करतील अशी आम्ही त्या पद्धतीने तक्रार दिली। रात्री भंडाऱ्यामध्ये नाना पटोले यांच्या गाडीला अपघात झाला आणि त्या अपघाताला भारतीय जनता पार्टी जबाबदार असं काँग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंढे म्हणत असेल तर हा मूर्खपणाचा कळस आहे। केवळ प्रसिद्धीसाठी आपल्या ज्ञानाचे दिवे पाजळायचे। लोंढेजी, भारतीय जनता पार्टीची अशी संस्कृती नाहीये। भारतीय जनता पार्टी सुडाचं राजकारण कधीच करत नाही। या उलट मागच्या आठवड्यामध्ये संजय धोत्रे यांचं व्हेंटिलेटर निघला असं वक्तव्य कुणी केलं होतं ते आठवा। आणि म्हणून काहीतरी बालिशपणा करायचा आणि केवळ प्रसिद्धीसाठी एखादं ट्विट करायचं हे धंदे आता काँग्रेस प्रवक्त्यांनी बंद करावे।